साहब, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब, मोहतरम कायम अली शाह साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, खुर्शीद शाह साहब, कादिर पटेल साहब, डॉक्टर अजरा पेचो यहाँ स्टेज पे बैठे और मेरे सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन सक्खर, मेयर सक्खर और इलेक्टेड नुमाइंदे लोकल गवर्नमेंट के, उसके अलावा SIUT के डॉक्टर्स, यहाँ पे सक्खर से आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो और जियालियो, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, शुक्रगुजार हैं आपके इस वक्त में जब आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, आपने वक्त निकाला और आपने ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह आऊँगा और आज आप सक्खर आए हैं यहाँ पे SIUT सक्खर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने, उसके साथ साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल सक्खर जिसका इस इवेंट पे आने से पहले चेयरमैन साहब ने उसका भी इफ्तिताह किया है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और मैं वफाकी वज़ीर सेहत जनाब कादिर पटेल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो और उनकी पूरी टीम आज यहाँ आई और उन्होंने चेयरमैन साहब के सामने तीन अस्पताल, लीज वीज नहीं है, वापस नहीं मिलेंगे ये, पहले ही मैंने वो ऐसे ही लेने थे तो ले लेते पहले, अब कभी भी नहीं मिलेंगे। खैर, वो तीन अस्पताल जो हमारे थे राइटिंग में, उन्होंने वापस सिंध के हवाले किए हैं ताकि वो सिंध के लोगों की खिदमत कर सके। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा इसलिए कि आप सब चेयरमैन साहब को यहाँ सुनने आए हैं। हेल्थ के हवाले से आपको खुर्शीद शाह साहब ने बताया, वैसे एक चीज़ मैं बता दूं, आज खुर्शीद शाह साहब ने सिंध हुकूमत की तारीफ़ की है, मेरा ये खून और बढ़ गया इसलिए कि बड़ी मुश्किल से तारीफ़ करते हैं, शाह साहब आज पहली बार तारीफ़ की है उन्होंने सिंध हुकूमत की, वो इस वजह से है कि उनकी अपने लोगों के लिए और उनके लोगों की उम्मीदें खुर्शीद शाह साहब से इतनी ज़्यादा हैं कि वो फिर आगे हर एक को रखते हैं अपने, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं अपने टोस्ट पे रखते हैं। लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक्नॉलेज किया है, हमने कोशिश की है, कायम अली शाह साहब ने ये 2008 से शुरुआत की थी, जब वहाँ से उन्होंने छोड़ा फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस में और अपने सीनियर्स की गाइडेंस में मैंने कोशिश की है और इंशाल्लाह दो तीन दिन में हमारी ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। और पूरी कोशिश की है कि मैं अपने हम अपनी हुकूमत सिंध अपने सिंध के लोगों की उम्मीदों पे पूरी उतरे। हमने अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं हर जगह जाता हूँ, एक बात कहता हूँ, आज भी आपको बता रहा हूँ कि हम कुछ महीनों की, मैं तो 2 महीने की छुट्टी पे जाना चाह रहा था लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा नहीं 3 महीने, और वो बताता हूँ क्यों। चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, लोगों के पास वापस जाओ और हम सब आपके पास आएंगे, हम सारे इलेक्टेड नुमाइंदे, जो हमने किया है उसके बारे में भी पूछेंगे और जो हम नहीं कर सके हैं वो भी आवाम हमें बताएगी, आप हमें गाइड करेंगे, आगे जो करना है वो भी हम आवाम के पास जाके और उनसे गाइडेंस लेके हम वापस आएंगे और फिर अपनी लीडरशिप की मदद से, और इस दफ़े तो और ज़्यादा आसान होगा। पिछले 10 साल थोड़े से मुश्किल गुजरे हैं वफाक में सब हुकूमतें सिवाय ये पिछले 1.5 साल में हम एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, 1 साल 4 महीने हुए या 5 महीने, नहीं तो 8.5 साल हम वफाक की एक ऐसी हुकूमत वफाक पे थी जो हर किस्म से, और ये अस्पतालों का जो तीन अस्पताल हैं JPMC, NICH और NICVDUC का अंदाज़ा लगा लें। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग, अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वैसे भी नामों पे पाबंदियाँ भी लग गई हैं, तो
वो चाबी है, वो आते थे जी इसकी चाबी दो अस्पताल की, हम इसको टेक ओवर करेंगे। हमने कहा बिस्मिल्लाह जी आओ टेक ओवर करो। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो तकरीबन उस वक्त तक 70-80 अरब रुपए खर्च किए थे वो आपको पहले देने पड़ेंगे हमें। तो ठन ठन गोपाल उनके पास था तो कुछ भी नहीं, तो वो एक बार तो ऐसा भी हुआ, कहते हो आपको पता नहीं पता हो कि नहीं, पिछली हुकूमत ने कहा कि चलाएगी वफाकी हुकूमत और पैसे सिंध हुकूमत देगी। वाह वाह, मतलब ये उल्टा सारा निज़ाम चला रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और ना सिर्फ हमने उन तीनों अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे सिंध में यहाँ एनआईसीवीडी का आपको पता है सक्खर का, यहाँ से चंद कदम के फासले पे है। उसके अलावा थोड़ा सा दूर जाएंगे आप खैरपुर की तरफ तो आपको पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट वहाँ मिलेगी, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त में होते हैं। फिर यहाँ सक्खर में चाइल्ड लाइफ के जो चिल्ड्रन इमरजेंसी सेंटर है, सक्खर में, लाड़कानों में, हैदराबाद में, बल्कि पूरे सिंध में हमारी ऐसा सिस्टम है कि कोई भी बच्चा अस्पताल से आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ तो अस्पताल मिलता है, यहाँ हमारे पास फैसिलिटी है कि टेलीमेडिसिन के थ्रू उसको सबसे अच्छे डॉक्टर पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के सबसे अच्छे डॉक्टर सिंध में हैं और सबसे बड़े डॉक्टर डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी बैठे हैं, उनकी वो देखते हैं उनको, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो लेकिन उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स टेलीमेडिसिनिंग के थ्रू वो देखते हैं। और हमने इस सिलसिले में अपनी जो शराय अमवात थी बच्चों की, पहले 1000 में से 86 बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती थी, उसको हम आधे से भी हमने कम कर दिया है अभी, और इंशाल्लाह ताला, और ये 2021 के नंबर है, अभी और बेहतर हो गई है। फिर आप थोड़ा सा साउथ जाएंगे, लाड़काना में भी हमारे पास NICVD है। फिर आप साउथ जाएंगे, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, सेवन, खैरपुर, नवाबशाह, कराची में तो है, यहाँ पे इनके सैटेलाइट सेंटर्स, और फिर इनके हमारे पूरे सिंध में चेस्ट पेन यूनिट्स। कहीं पे भी दिल के अमराज की वजह से, थरपारकर जैसे इलाके में हमारे NICVD का सैटेलाइट सेंटर है मिट्टी में, सिंध में कहीं पे भी दिल की अमराज की वजह से इंशाल्लाह ताला जिंदगी मौत अल्लाह रब के हाथ में, लेकिन हुकूमत सिंध ने अपने डॉक्टर्स की मदद से ये फैसिलिटीज़ ऐसी कायम की हैं कि वो मरीज़ को जल्द से जल्द अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। हमारी जो रेस्क्यू 112 की सर्विस है, फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज हैं जिनमें वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, वो हमने शुरू की है। कराची के अंदर मैंने आपको जिक्र किया, JPMC के अंदर इस वक्त दुनिया में बहुत कम सेंटर है, नंबर इस वक्त मुझे याद नहीं, जहाँ पे दो साइबर नाइफ्स हों जो कि कैंसर का इलाज करती है रेडिएशन के थ्रू। और हमारे पास JPMC में दो तो हैं, एक तीसरी साइबर नाइफ इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर से पहले हुकूमत सिंध ने फंड कर दी है, उसका ऑर्डर हो गया, वो तीसरी साइबर नाइफ जो बतरदीज जो इस वक्त हमारे पास साइबर नाइफ है उसमें एक घंटे का इलाज होता है एक पेशेंट का, तो पूरा दिन भी अगर वो चलाएं तो फिर ब्रेक्स के साथ वो 16 पेशेंट कर सकती है। ये वाली जो नई साइबर नाइफ है वो 20 मिनट में वही रेडिएशन यानी वही इलाज करती है, तो हम उधर 32 पेशेंट्स को दिन में ट्रीट कर सकेंगे, 16 पहले, और जो पहली वाली साइबर नाइफ और स्लो थी उससे 8। आप उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया लिवर के ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट्स, SIUT के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। और डॉक्टर अदीब आई एम श्योर मुझे करेंगे, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ और वो कभी मुझे फ़ोन करते हैं कहते हैं कि जी मैंने आना है, तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं आप आने की भी तकलीफ ना करें, आप मुझे सिर्फ बता दें कि ज़रूरत क्या है SIUT की, और हम किसी भी तरीके से और किसी से पैसे छीन के
किसी और के रोक के हम देंगे, इसलिए हमें पता है कि ये पैसे ऐसे मकसद के लिए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की सर्विस होगी और लोगों का अच्छा इलाज होगा। सेहत के जो हमारे और मराकज़ हैं, हम प्राइमरी हेल्थ में PPHI के ज़रिए पूरे सिंध में इलाज करा रहे हैं। हमें पता है कि वहाँ जहाँ जहाँ हमारे गैप्स हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिश यही है कि हम अपने इन गैप्स को फिल करेंगे। और मैं जो बात कह रहा था उधर मैं ज़रा डाइग्रेस कर गया, मैंने कहा था कि पिछले 10 साल थोड़े मुश्किल थे, अगले 5 साल बल्कि अगले 30 साल हमारे लिए इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत आसान होंगे, इसलिए कि अगली इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन के, वज़ीर आज़म बन के इस्लामाबाद में बैठेंगे। फिर हमारी जो थोड़ी बहुत तकालीफ है, जिए भुट्टो हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मुझे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी अक्सरियत देंगे, लेकिन बाकी पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इतनी डिविजन्स हैं कि हम इतनी सीट्स ले जाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। मैं एक बार फिर जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ और भी आपको बताना चाहता हूँ हेल्थ के अलावा, इसलिए कि मौका कम मिलेगा। आप सब दोस्त इधर हैं, मेरे चेयरमैन भी मुझे सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम बताएं। हमने पिछले 5 सालों में, इन 5 सालों में हमारे पास, हमारे ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। कोविड का आप सबको पता है, 2020 का सैलाब, 2022 का मेगा फ्लड, और सबसे भड़के एक ऐसी वफाकी हुकूमत जिसका एक सेलेक्टेड सरबरा कहता था कि जी सिंध तो हमारा है ही नहीं, यानी उसने सिंध को पाकिस्तान से ही अलग कर दिया था। इन सारी तकालीफ और इन सारी चीज़ों के बावजूद हम अपनी सिंध की आवाम के साथ खड़े रहे, चाहे वो कोविड हो, चाहे 2020 का लेफ्ट बैंक पे फ्लड हो या 2022 का फ्लड जिसने पूरे सिंध को अपनी लपेट में लिया था। और उस वक्त चेयरमैन साहब आपने जो हिम्मत दिलाई थी, इसलिए कि आपने, आप वफाकी वज़ीर ख़ारजा थे और आपने अपने सारे दौरे मंसूख किए और आप खुद सिंध में आए, आपने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पे दावत दी, वो आए और उन्होंने देखा कि जिस किस्म की तबाही हुई है, और उसके बाद ये जब तबाही अभी जारी थी, हम पानी इवैक्यूएट कर रहे थे, हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, उनकी गाइडेंस में, हमने कहा कि जी हम कैसे अब इसको, जो हमें नुकसान हुआ है इसको पूरा कैसे करेंगे। हमने वर्ल्ड बैंक से बात करनी शुरू की, आलमी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करनी शुरू की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात करनी शुरू की। और ये मैं आपको बता के खुशी हो रही है कि हमने जो भी रास्ते, रोड्स थे दबा हुए, जो हमारी अस्पतालें थी, जो स्कूल थे, वफाक के साथ भी हमने, वफाक से भी पैसे लिए, सिंध हुकूमत ने पैसे डाले, आलमी इदारों से पैसे लिए हैं और हमारी स्कीम्स तैयार हैं और ये रोल आउट हो चुकी हैं। और ये जो दो तीन महीने हम नहीं होंगे हुकूमत में, ये काम चलता रहेगा जो हमने करके गए। और ये रोड, और सबसे ज़्यादा बढ़ के मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले आखिरी चीज़ बता दूँ कि बड़े बड़े सैलाब आए हैं सिंध के अंदर। 1942 का सैलाब सब लोग बात करते हैं उसकी, उसके अलावा 76 का सैलाब तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा, जो बड़े उन्होंने देखा होगा। फिर 2010, 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 सबसे बड़ा सैलाब। कभी भी किसी हुकूमत ने ये
नहीं कहा कि जी हम लोगों को अपने घर बना के देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब लोगों के पास गए और देखा, सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी थी कि हमें घर बना के दो, तो उन्होंने हुकूमत सिंध को हुक्म दिया कि जी मैं कुछ नहीं जानता, आपने लोगों के घर बना के देने। और मैं अपने रब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अपनी पूरी काबीना, अपने सूबाई असम्बली के मेम्बरान, कौमी असम्बली के मेम्बरान, उन सब के साथ मिलके हमने ये घर बनाने की मुहिम शुरू की। और पूरे सिंध में 21 लाख घर जो या तो पार्शली या कम्प्लीटली डैमेज हुए थे उनको रीबिल्ड कर रहे हैं। और ना सिर्फ रीबिल्ड कर रहे हैं, चेयरमैन साहब की हिदायत पे जिनके मालकाना हुकूक उनके पास नहीं है उन सबको मालकाना हुकूक दे रहे हैं। और उसकी आपने देखा होगा कि वो मालकाना हुकूक देने की सेरेमनी हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। इंशाल्लाह ताला इस सैलाब में जैसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे लोगों का, लेकिन ये हुकूमत है सिंध है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो अपने लोगों के साथ खड़ी रही है। और इस सैलाब में जो नुकसान हुए ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बट उनके जो ज़ाती नुकसान हुए, अब मैं और बहुत बात कर सकता हूँ कि कैसे हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, कैसे गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई, कैसे इस साल जो कॉटन है जो 6-7 मिलियन बेल से ऊपर नहीं जाती थी 13 मिलियन बेल इंशाल्लाह होगी, जिससे हम 3 अरब डॉलर बचाएंगे इस मुल्क के। ये सारी चीज़ें तभी हुई जब हमें गाइडेंस थी अपनी लीडरशिप की और हमें सपोर्ट थी अपने लोगों की। अगर सिंध के लोगों की सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे नहीं होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध नहीं ऐसे परफॉर्म कर सकती। तो मैं आप लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से आपने सपोर्ट दी है। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है जब हम आपके पास जाएंगे आप हमें शिकायत भी करेंगे, आप हमें इसलिए कि हम आप में से ही हैं गुस्सा भी करेंगे, लेकिन आपका वोट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, इसलिए कि जैसे मैंने कहा जिए भुट्टो। तो मैं इसके साथ ही अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ जोश जज्बा काफ़ी है, तो अदा मैं एक नारा लगवाता हूँ और मैं कहूँगा आप सब उसका जवाब दें ताकि ये मीडिया के थ्रू पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा तो उनको पता चले कि जी सक्खर की आवाज़ क्या है। नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया जी।